हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। तो देखिए आईपीएल 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी है और बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हमें हर दिन मिलते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि इस बीच एक रैप अप दे दी जाए आपको कि आखिर आईपीएल 2022 के पहले क्या क्या बड़ी इवेंट्स होने वाली है और उस बीच और क्या क्या चल रहा है, इसका एक रैप अप दे देंगे हम जल्दी से। मैं हूं स्मृति, मेरे साथ है अभिषेक। अभिषेक, हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपीएल मेगा ऑक्शन के तारीख को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल, जो तारीखों को लेकर लगातार अपडेट आ रही थी वो 11, 12, 13 तारीख जो फरवरी महीने में है, और साथ ही साथ आपको वो बैंगलोर में होने वाले थे, लेकिन अभी भी कयास ही लगाया जा रहा है कि तय समय पर हो जाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जो बेंगलोर में जो होटल्स हैं वो भी फिलहाल कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ आपको बता दें कि बीसीसीआई बुक करने की कोशिश कर रही थी दो होटल्स बेंगलुरु में, लेकिन वो दो होटल्स के मैनेजर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे बुकिंग। वो बोल रहे अभी कर्नाटका गवर्नमेंट के कोविड गाइडलाइंस और रेस्ट्रिक्शंस का इंतजार किया जा रहा है, जब तक वो नहीं आता वो बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, और जो दूसरी बात है जो सबसे ज्यादा जिस पे चर्चा हो रही है वो है जो भी ड्राफ्ट प्लेयर्स हैं उनके नाम का ऐलान कब तक होगा। हाँ जी बिल्कुल अभिषेक, ड्राफ्ट प्लेयर्स की बात करें जो दो नई टीमें हैं लखनऊ और अहमदाबाद, इन दोनों टीमों के जो तीन ड्राफ्ट प्लेयर सबमिशन डेट थी अभिषेक वो पहले थी 25 से 30 दिसंबर तक, लेकिन सीवीसी ग्रुप के ऊपर जो सट्टेबाजी की आरोप चल रहे हैं उस पर छानबीन चल रही है बीसीसीआई की, इस वजह से अब जो अपडेट आई है 31 जनवरी तक की डेडलाइन है जिसमें इन दोनों टीम्स को अपने तीन तीन ड्राफ्ट प्लेयर्स के नाम सबमिट करने हैं। और वहीं बात करें अभिषेक सीवीसी ग्रुप के बारे में, तो सीवीसी ग्रुप के बारे में बोला जा रहा है कि इस हफ्ते तक शायद वो मैटर क्लोज हो जाए और 31 तारीख वो होगी अंतिम तारीख 31 जनवरी जब हो सकता है कि ये सारी चीजें क्लियर होकर आप सबके सामने हो। और इसके साथ ही जो अगला सवाल है जो सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल है कि क्या आईपीएल 2022 जो है वो भारत में ही होगा, तो इससे बड़ी अपडेट जो आ रही है इस खबर से जुड़ी वो ये है कि बीसीसीआई चाह रही है कि किसी भी सूरत हाल में जो आईपीएल 2022 है वो भारत में कराया जाए, और इसको लेकर लगातार प्लान बी का जो जिक्र हो रहा है मुंबई शहर का जो जिक्र हो रहा है कि वहां के स्टेडियम में आईपीएल 2022 के सारे मैचेस कराए जाएंगे, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को कैसे आइसोलेशन में रखा जाएगा, क्या कुछ प्रोसेस होगा, उन सबको लेकर भी बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की माथापच्ची जारी है। हाँ। और देखना ही होगा कि क्या वाकई बीसीसीआई जो है वो सफल हो पाती है भारत को भारत में आईपीएल कराने में। बिल्कुल, और इसके साथ अभिषेक एक और सवाल है जो व्यूअर्स पूछते हैं और ये सवाल का जवाब भी काफी जगह घूम रही है, इसको लेकर मैं बता देती हूँ कि जो आईपीएल कब होगा और कहाँ होगा, इसको लेकर जो अपडेट चल रही थी कि वो अप्रैल 2 तारीख से शुरू होगा, ये सब बीसीसीआई ने एक रेप्यूटेड चैनल से बोला कि ये सब रूमर्स हैं जो फैल रहे हैं कि आईपीएल डेट को लेकर अभी बीसीसीआई का प्राइम फोकस ऑक्शन है और कोविड सिचुएशंस को देखकर वो ऑक्शन डेट फिक्स होगा और ऑक्शन होगा उसके बाद ही आईपीएल कब होगा और कहां होगा इसका डिसीजन बीसीसीआई करेगी और ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने लाएगी। देखिए इस पर जितने भी अभी तक खबर चल रहे हैं कि आईपीएल कब से होगा ये एक रूमर है, ये बीसीसीआई ऑफिशियल ने एक रेप्यूटेड चैनल से बोला। बिल्कुल, और अगले बात करेंगे जिस तरीके से लगातार खबर आ रही है आईपीएल 2022 से जुड़ी अपडेट आ रही है, इस बीच एक खबर और है कि क्या अहमदाबाद के कारण ही लखनऊ को अपनी टीमों का ऐलान करने में दिक्कत आ रही है, तो जी हाँ, कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो यही है कि बीसीसीआई उनको भी अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि जब तक जो डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया है अहमदाबाद की टीम का और बीसीसीआई के बीच वो पूरी नहीं होगी, लखनऊ भी खिलाड़ियों का ऐलान नहीं कर सकता। इस बीच लखनऊ ने कहीं ना कहीं अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, लखनऊ की टीम ने इस बीच कोच का ऐलान कर दिया, एंडी फ्लावर लखनऊ टीम के कोच होंगे और गौतम गंभीर लखनऊ टीम के मेंटर होंगे, और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि लखनऊ टीम के जो नाम का भी चर्चा हो रहा था जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसमें लखनऊ लायंस 11 का नाम आ रहा है, हो सकता है कि इस नाम पर मोहर लगे या हो सकता है कि ऑफिशियल में नाम कुछ चेंजेस भी आए। और इसी के साथ कल जो अपडेट आई है वो ये है कि जो स्पॉन्सर है वो माय सर्कल 11 है जो लखनऊ टीम को स्पॉन्सर कर रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ आपको बता दूं कि जो अहमदाबाद और लखनऊ टीम की बातें चल रही है कि लखनऊ टीम पीछे रह जा रही है अहमदाबाद के वजह से, इस पर बीसीसीआई ऑफिशियल ने एक रेप्यूटेड चैनल से ये भी बोला है कि अहमदाबाद और लखनऊ को इक्वल टाइम दिया जाएगा डिसीजन लेने का, ऐसा ना हो कि एक को कम टाइम मिल रहा और एक को ज्यादा, दोनों को इक्वल टाइम दिया जाएगा। 31 जनवरी तक का टाइम तय किया गया है कि इस डेडलाइन में ये दोनों ही टीमों को अपने तीन तीन ड्राफ्ट प्लेयर्स के नाम सबमिट कर देने हैं,
तो देखिए ये है हमारा आईपीएल का रैप अप, आईपीएल 2022 को लेकर अभी तक का जो जो सिचुएशन चल रहे हैं, सिनेरियो चल रहा है, इसको लेकर हमने सोचा एक रैप अप आपको दे दी जाए। तो वही हमने आपके सामने शामिल किया ऐसे ही अपडेटेड और फैक्चुअल बातों के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले अगर वीडियोस पसंद आता हो तो, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।